डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। झारखंड 2019 के विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व का आगाज से लेकर अंत तक रोमांच बना रहेगा। इस बीच कई राजनीतिक उठापटक देखने को मिली। एक दूसरे दल के नेता टिकट पाने की होड़ को लेकर तमाम वसूल ताक पर रखकर पाला भी बदले पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं की सुनामी चुनावी माहौल में ही देखने को मिलता है। 2019 के इस चुनावी महाकुंभ में कई दलों के दिग्गज नेता या कहें कि स्टार प्रचारक झारखंड के विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ चुनावी सभा अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं। बात करें महागठबंधन की तो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी झारखंड में लगभग नहीं के बराबर गतिविधि दिख रही थी। प्रथम चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव से पहले यानी कि 2 दिसंबर को राहुल गांधी झारखंड के सिमडेगा से चुनावी सभा को संबोधित कर चुनावी माहौल में गर्माहट भर दी। वहीं कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भर दी। अब तक कांग्रेस कहीं नरम दिख रही थी, लेकिन राहुल गांधी के कदम झारखंड में पड़ते ही कांग्रेस के तेवर भी आक्रामक हो गए हैं। सिमडेगा कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा में पहुंचे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक रूप से ढोल नगाड़े बजाकर नाचकर स्वागत हुआ, जहां राहुल गांधी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और स्वागत मंडली के साथ थिरक उठे। राहुल गांधी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सिमडेगा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सिमडेगा से ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। देखिए, यहाँ पे पास में छत्तीसगढ़ प्रदेश, और एक साल पहले वहां जैसे यहां चुनाव हो रहा है, वहां भी चुनाव हो रहा था। छत्तीसगढ़ में भी बहुत आदिवासी भाई बहने हैं, धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं, जल, जंगल, जमीन, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इन चीजों की कोई कमी नहीं। मगर धन जनता के हाथ में नहीं है। धन का फायदा आदिवासियों को, गरीब लोगों को नहीं मिलता। और जो आज झारखंड में हो रहा है, जो बीजेपी की सरकार कर रही है, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो लोगों को कुचलने की बात हो, धर्म के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को कुचलने की बात हो, जैसे यहां आज हो रहा है वैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा था। ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले साल ही चुनाव हुआ, और एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का चेहरा बदल दिया है। 2-3 चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं कैसे बदला। सबसे पहले जमीन का मामला। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी, हर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, बिना कोई पूछे एक मिनट के अंदर आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उद्योगपतियों को दी जाती थी। कोई कारण देने की जरूरत नहीं थी, हमें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम आदिवासी हो, जमीन तुम्हारी है, मगर हम किसी उद्योगपति को देना चाहते तो हम ले रहे हैं। ऐसे कानून बना रखे थे छत्तीसगढ़ में, हमने उन कानूनों को बदला। फॉरेस्ट राइट बिल, आदिवासी बिल, उसको लागू किया। और मैं खुशी से आपसे कहना चाहता हूं, शायद हिंदुस्तान में पहली बार
टाटा कंपनी से जमीन वापस लेकर, जो पहले आदिवासियों की जमीन थी, वापस लेकर आदिवासियों को वापस लौटा दी। क्यों किया मैं आपको बता देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे। उस बिल का लक्ष्य आप लोगों की जमीन का की रक्षा करने का था, किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, गरीबों की जमीन। और उस बिल में साफ लिखा था कि अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी जाएगी तो 5 साल के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन पर उद्योग लगाना पड़ेगा, और अगर वो उद्योग नहीं लगाएगा तो वो जमीन जिसकी थी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसान हो, उसके हवाले वापस कर दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों से छीन छीन कर उद्योगपति मित्रों को जमीन दे रखी थी। टाटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर जब उन्होंने 5 साल के अंदर आदिवासियों की जमीन पर उद्योग नहीं लगाया, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों का आदर करके उनकी जमीन उनको वापस लौटा दी। आज आप छत्तीसगढ़ जाएं, धान आपको 2,500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल खरीदती, धान खरीदती है। शायद एक प्रदेश है जो ये काम करके दिखाता है। पहले जब हमारा चुनाव था, बीजेपी के लोगों ने कहा कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता, आपको यहां सही दाम नहीं मिलता। जहां भी बीजेपी की सरकार है, उद्योगपतियों को जमीन मिल जाती है, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उनके हवाले कर दी जाती है, मगर आपको धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। और हमने वहां वायदा किया था, हमने 2-3 चीजें कही थी, लंबे भाषण नहीं किए थे, 2-3 चीजें कही थी। कहा था एमएसपी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान में आपको मिल जाएगी। हमने कहा था कि किसानों का वहां पे कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। 5.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां पे बीजेपी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन की रक्षा हुई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े उद्योगपति से जमीन लेकर हमने आपको वापस लौटाई, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किसान का कर्जा माफ किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार झारखंड में किसानों का कर्जा माफ करेगी, आपकी जमीन की रक्षा करेगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पे कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार काम करना शुरू करेगी। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, ठीक है, अगली बार बन जाएगी, मगर अब झारखंड में
गठबंधन की सरकार बनानी ही पड़ेगी। अगर आप अपनी जमीन, अपना जल, अपना जंगल, अगर आप इन चीजों की रक्षा करना चाहते हो तो आपको कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को समर्थन देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को जिताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको सीधा कह रहा हूं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।